दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तत्वावधान से नागपुर स्थित मंगल मंडप में 68वां एवं 69वां रेल सेवा पुरस्कार वितरित किया गया, जहां विभिन्न विभागों में सफलतापूर्वक कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इस समय विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक एवं अध्यक्ष नमिता त्रिपाठी मौजूद थी। साथ ही अपर मंडल रेल प्रबंधक SP चंद्रिकापुरी, CPM GSU AK सूर्यवंशी, CPM कौन RK सिंह, साथ ही वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी उदय कुमार भारती मौजूद रहे, जहां मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव के रूप में प्रत्येक रेलवे द्वारा विभिन्न स्तरों पर रेलवे सप्ताह का आयोजन होता है, परंतु किसी कारणवश पिछले वर्ष इसे नहीं मनाया जा सका, जिसके चलते इस साल 2023 एवं 2024 में वाणिज्य, सेवा, अभियांत्रिकी, विद्युत आदि विभागों में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 90 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इस समय विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी उदय कुमार भारती ने कहा कि हमारा भरसक प्रयास रहता है कि हम सुरक्षित एवं समयबद्ध सेवा दें। एक सुखद परिवार तभी संभव है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य खुशहाल हो। रेल परिवार भी अपने परिवार के हर सदस्य को उसके द्वारा दिए गए योगदान को सामूहिक रूप से रेल सप्ताह जैसे कार्यक्रम आयोजित कर खुशी देने का एक छोटा सा प्रयास करता है। उसी अनुरूप ऐसे आयोजन आयोजित किए जाते हैं। मंडल रेल प्रबंधक की परिवार की तरफ से परिचालन विभाग को इन सफलताओं के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं। इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करना तभी संभव हो सका जब हमारे अभियांत्रिकी विभाग ने रेल पथ को पूरे साल भर सही तरीके से मेंटेनेंस करने में कठिन परिश्रम किया। यह बताते हुए मैं अत्यंत खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 75 किलोमीटर की रेल रिन्यूअल का कार्य किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 56% अधिक है, जबकि लगभग 108 वेटेड करनाओं को रिन्यूअल किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11% से अधिक है। इंजीनियरिंग विभाग को कोटि कोटि धन्यवाद एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। दुनिया के सभी कोनों में एवं भारत में भी रेलगाड़ियों की रफ्तार और बढ़ाए जाने के लिए भरसक प्रयास करते आ रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि गाड़ियों की रफ्तार एवं उनके नियंत्रण के लिए दूरसंचार एवं सिग्नलिंग प्रणाली की मुख्य भूमिका रहती है। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी उदय कुमार भारती द्वारा स्वागत भाषण के उपरांत कलाकारों द्वारा गायन, वादन, नृत्य की श्रृंखला से सांस्कृतिक झलक पेश की, जिसकी शुरुआत शिव वंदना से हुई। वहीं तत्पश्चात गीत गायन और बांसुरी वादन से समाप्त प्रफुल्लित हुआ। ज्ञात हो कि नागपुर मंडल द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में क्रमश 10.55 मीट्रिक टन एवं 15.81 मीट्रिक टन माल ढुलाई किया गया। वर्ष 2023-24 में प्रतिशत बढ़ोतरी को देखा जाए तो भारतीय रेलवे में नागपुर मंडल तीसरे स्थान पर रहे। वहीं कुल माल से होने वाली कमाई का प्रतिशत देखी तो 1673 करोड़ रुपए कमाई कर भारतीय रेलवे में द्वितीय स्थान पर रहे। इसके अलावा परिचालन विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि के क्षेत्रों में भी सराहनीय कार्य किया, जिसके विषय में सभी का धन्यवाद एवं अभिनंदन व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने मंडल रेल प्रबंधक एवं अध्यक्ष नमिता त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। कोशिश रहती है कि जो स्टाफ डायरेक्टर्स हैं उनको हम जितना ज्यादा से ज्यादा सेटल कर पाए, उनके प्रति हम उतने जागरूक हो पाए, और इसके अलावा जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके भी प्रति, और पेंशनर्स जैसा कि आपको पता है पेंशनर्स की संख्या जो हम सर्विस में है रेलवे कर्मचारी उनसे कहीं अधिक है, उनके भी प्रति हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसको हम भरपूर निभाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो ये उत्सव है, जो त्योहार है, ये जैसा कि सीनियर मित्रों ने कहा कि हम एक या दो साल के बाद हम इसको मना रहे हैं, तो उतनी खुशी है हमें, क्योंकि जो पुरस्कृत होने वाले कर्मचारी हैं वो भी दोनों हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर पाएँ, कर्मचारियों को इंक्लूड कर पाएँ, लेकिन ये एक छोटा सा टोकन है जस्ट सेलिब्रेट द होल फैमिली ऑफ नागपुर डिविजन। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।